ये इंट्रेंस है इसका मेन, और यहाँ से एक रूम है, और यहाँ पर किचन, और यहाँ पर बाथरूम अटैच, एक रूम रूम में एक बाथरूम है, मिक्सर सेट, ये मिक्सर सेट का स्टैंड, मिक्सर स्टैंड थ्रू ये बताया गया है, मिक्सर सेट पॉइंट, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, शावर पॉइंट, ऊपर भी एक शावर पॉइंट दिया गया है 7 फीट पर, और इसको हॉट वाटर को यहाँ से लेकर के इस तरीके से यहाँ स्टेपर बैंड मार के सीधे लाइन, यहाँ पर एक सोलार वाल दिया गया है, और सोलार के लिए कलेक्शन एक बाहर गया है, और एक सोलार वाल है, यहाँ से इसका एक पॉइंट सोलार का यहाँ पर, और यहाँ गीज़र बैठेगा, और यहाँ गीज़र का पॉइंट, यहाँ पर एक लाइट का पॉइंट है, इसके बाजू में गीज़र गीज़र का पॉइंट, और यहाँ एक गीज़र यहाँ पर यहाँ बैठेगा, इसका कलेक्शन गीज़र का और सोलार का बाद में दिया जाएगा। ये कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर है सोलर का, और ये कोल्ड वाटर है। यहाँ से एक कमांड के लिए फ्लश टैंक के लिए एक नल, और ये लाइन यहाँ पर एक हेल्थ पॉजिट के लिए, हेल्थ पॉजिट यहाँ बटाएंगे, और कमांड, ये कमांड यहाँ पर बैठेगा, उसी के सामने इसका 90 ड्रॉप दिया गया है, मल्टीफ्लोर 90 ड्रॉप, 4 इंच का पाइप है, और मल्टीप्लो 9 ड्रॉप, और ये 1.5 इंच का यहाँ से लेकर के सीधे इसको यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर वॉश मशीन आएगा, इसका यहाँ पर एक प्लग दिया गया है, ये यहाँ पर एक नल, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर अगर एक वॉशिंग मशीन रखेंगे तो यहाँ पर भी यहाँ से एक कनेक्शन होगा वॉशिंग मशीन के लिए। ये रहा शावर पॉइंट, और ये रही बाथरूम, इसका और ये इतना रहा, ये किचन का, किचन कट्टा है, यहाँ पर विटल्स काम बाकी है, और हमने यहाँ पर एक 2 पॉइंट दिया है सिंक के लिए, किचन सिंक के लिए यहाँ पर एक 2 पॉइंट है, एक कॉर्पोरेशन का है, और एक टैंक लाइन है, यहाँ पर एक्वा गार्ड के लिए 1 पॉइंट दिया गया, और उसके ऊपर ही करंट का बॉक्स, ये किचन का है, यहाँ पर भी बाथरूम है, यहाँ टॉयलेट सीट यहाँ पर बड़ी बढ़ा दी गई है, और उसके पीछे एक फ्लश टैंक के लिए एक 1.25 इंच का पाइप दिया गया है PUC, और उसको फ्लश टैंक के लिए एक नल, और उसको एक नल यहाँ पर टैप पॉइंट यहाँ पर भी एक दिया गया है, फ्लोर से 18 इंच पर ये दिया जाता है, और एक फ्लोर से 24 इंच पर, और 1.5 इंच का यहाँ पर वॉश मशीन के लिए PUC 1.5 इंच का पाइप यहाँ पर एक बटा दिया गया, ये 1.5 इंच का पाइप यहाँ से यहाँ पर 9 ड्रॉप के, यहाँ पर 9 ड्रॉप, मल्टीफ्लोर 9 ड्रॉप, जब इस तरीके से वॉश मशीन बटाना हो तो इसके लिए मल्टीफ्लोर 9 ड्रॉप बटाना पड़ता है, जिसका जहाँ से कलेक्शन होता है।
ये लेटर आप है, इसको यहाँ पर कलेक्शन दिया गया और ये सारे ये जो थे सोल्यूशन बाहर के बंद कर दिए गए। ये ज़रूरी होता है वरना फ्लोर में लीकेज हो जाएगा तो फिर बाद में नीचे शराब पानी पकड़ने के चांसेस हो जाएंगे। अब ये है बाथरूम। सबसे पहले ये दो ये मिक्सर्स का मिक्सर सेट पॉइंट है। ये हॉट ये कोल्ड वाटर है, ये हॉट वाटर है। ये सोलर शावर पॉइंट और यहाँ से सीधे शावर का एक ऊपर एक पॉइंट दिया गया है। यहाँ से हॉट वाटर का पॉइंट सीधे यहाँ से ये बाहर गया है और इसको सोलर का वाल यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। सोलर का चाहिए तो सोलर का चालू करेंगे वरना नहीं तो गीज़र का चालू करेंगे। गीज़र का पानी जब चाहिए तो ये बंद कर देंगे, अगर गीज़र का नहीं चाहिए तो ये चालू कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है और यहाँ पर ये ओनली फॉर बाथरूम है और टॉयलेट यहाँ बता दिया गया है। ये सिर्फ नहाने के लिए बाथरूम है और इसका अभी गीज़र पॉइंट इलेक्ट्रिशियन हमारे ने यहाँ पर तो दिया है, उसको वहाँ करना पड़ेगा गीज़र, क्योंकि हमने पॉइंट वहाँ पर दिया है। ये मिक्सर सेट और शावर का था सिर्फ, और इसका वॉश मशीन का पाइप यहाँ पर, इसका यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। और ये सर्कल इतना बाथरूम और टॉयलेट है, इसका प्लान ऐसे है। ये टॉयलेट की शीट और ये है बाथरूम। इतना ही था इस वीडियो में बस। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके शेयर कर दें।